अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आई होप सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तो जी आज का वीडियो मैंने शाम से स्टार्ट किया है अभी ना अनार आए हुए हैं मार्केट में अनार बहुत अच्छे आए हुए तो बस जी हाँ मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मैंने सोचा इन सबको जो है ना वो छील के एक साथ ही रख दो वरना फिर रह जाते हैं क्योंकि अब छीलना पड़ता है ना इसको तो कोई खाता नहीं है और फिर वो जो है वो पड़े रह जाते हैं तो फिर मैंने सोचा कि सारे छील कर एक साथ रख दो जब भी दिल करेगा तो निकाल कर खाने खा लिए जाएंगे वरना ये पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे और बस फिर शाम को ना बच्चों को दे रही थी मैं ट्यूशन से आ जाते हैं बच्चे तो फिर उनको भूख लगती है तो मैंने सोचा कि चलो जी पकौड़े बना लेते हैं और थोड़े से मैक्रोनिक्स बना लूँगी मैं तो ये आलू के पकौड़े ना ये बिल्कुल आलू को बिल्कुल छोटे छोटे से ना पीस कर लेते हैं और फिर इसके अंदर जो है ना वो मैदा सॉरी बेसन और नमक और जो है वो टूटी मिर्ची डालकर बस मैं सिंपल से फ्राई कर लेती हूँ और केचप और चाट मसाले के साथ इसको खा लेते हैं तो मैं बच्चों को अक्सर ये वाले देती हूँ मेरे बच्चों जो है वो प्याज के पकौड़े और दूसरे पकौड़े नहीं खाते तो ये आलू के पकौड़े ऐसी चीज़ें जो आलू के फ़्राइज़ हो गए या पकौड़े हो गए और मैक्रोनीस वगैरह हो गए तो ये बच्चे खा लेते हैं और फिर आ गया था जी मेरा पार्सल काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी इसको मंगाना और फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया था और दो या तीन दिन में जो है ना वो पार्सल मुझे रिसीव हो गया था ये जो है वो स्लिप इन्होंने रिव्यूज़ के बारे में दी है लोग जो क्या करते हैं ज़रा सा भी ऊँच नीच हो जाए ना तो दराज पर जो है ना वल्टे सीधे रिव्यूज़ देते दे थे जिसकी वजह से उनके क्लाइंट जो है वो ख़राब होते हैं तो उनके कस्टमर जो होते हैं वो ख़राब होते हैं फिर उन्होंने जो है ना वो अपील करना शुरू कर दी कि आप लोग वहाँ पर रिव्यूज़ देने से पहले हमें एक मौका दें कुछ भी चीज़ ख़राब आ जाती है ना तो आप रिटर्न करवाओ ना तो रिटर्न हो जाए आती है आप आ, मतलब एक्सचेंज करवाओ या अगर आपको आपकी मतलब की चीज़ नहीं मिली आप वापस करवाओ तो ऐसा हो जाता है दराज़ पर ये चीज़ भी अवेलेबल है तो ये लोगों का कहना था कि कोई भी बैड कमेंट करने से पहले या बैड रिव्यूज़ देने से पहले हमें एक मौका दे दें ये स्लिप में यही लिखा हुआ था और यहाँ पर ना मैंने ये सिक्स पीस का ऑर्डर करा था सिक्स पीस के ये राजस्थानी स्टाइल ना टाइल स्टिकर कहते हैं इसको तो ये मैंने ऑर्डर किए थे ये छः पीस का सेट था और इसी तरह के मैंने तीन सेट जो है वो ऑर्डर किए थे ये देखिए जिसका पैटर्न कितना मजे का है और अब मैं आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ के लिए इसको मंगाया था और लगने के बाद इनका लुक बहुत ही प्यारा था और इतनी जल्दी ना ये ख़राब भी नहीं होते इनके ऊपर एक लेमिनेशन वाली प्लास्टिक की जो मोटी सी तह होती है ना वो लगी हुई है जिसकी वजह से ना ये जल्दी ख़राब नहीं होते तो ये मुझे इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे और ये मुझे अच्छा लगे तो मैंने सोचा कि जी इसको बाई करना चाहिए ये फोटी फ़ाइव रुपीज़ में सेल लगी हुई थी सेवेंटी रुपीज़ के छः थे लेकिन सेल में जो है ना ये फोटी फ़ाइव के छः थे तो मैंने तीन सेट ऑर्डर करे इसके छः छः वाले और वन फिफ्टी या वन सिक्सटी मुझे डिलीवरी चार्जेस लगा या वन फोर्टी लगा आई थिंक तो बस यहाँ इसको मैंने ऑर्डर किया था इसके लिए और किचन में लगने के बाद ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं और जो मेरे ड्रेसेस थे ना जिनको मैं स्टिच कर रही थी वो फाइनली स्टिच हो गए थे दो ड्रेसेस मेरे चले गए थे ये वाला मैंने रात में बैठ कर लेट नाइट तक बैठ कर ना उसको स्टिच किया था अब इसको प्रेस करके और जिसका है मैं उसको दे दूँगी ये सिंपल गोल गला है और इसके बाद ना इसको प्रेस करके ये जिसका है उसको मैं दे दूँगी इसके बाद अभी फ़िलहाल मैंने सिलाई नहीं निकालनी बहुत ज़्यादा है ना मुझे वक्त लगता है सीने में तो इसलिए मैं नहीं निकालती बहुत घर के काम भी होते हैं और फिर मुझे जाना था जी नेक्स्ट डे डिस्प्ले भी हो रहा था और मुझे लेना था जी कोर्स टू मंथ का जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया था कि मैं आगे बहुत सारे कोर्सेज़ करने वाली हूँ मैं अभी फ़िलहाल मैं कुकिंग पर हूँ तो क्योंकि का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है अच्छा जी मैं पहले बता दूँ ये वीडियो जो चल रही है यहाँ पर आज डिस्प्ले है जैसा इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पर भी आया हुआ है कि डिस्प्ले था आज 21 तारीख है आज 21 अक्टूबर तो आज के दिन जो है वो डिस्प्ले लगा हुआ था हफ्ते का दिन है और यहाँ पर बेहतरीन चीज़ है जो है वो हर चीज़ इन्होंने डिस्प्ले लगाई थी ये सारा मेमन का आइटम है जो मेमन वाले सीखते हैं सिखाते हैं जो बच्चियाँ जो स्टूडेंट्स होती हैं वो बनाती हैं वो ये सारा आइटम यहाँ पर डिस्प्ले लगाते हैं बच्चियाँ लड़कियाँ जो है वो सेल भी करती हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ बेचने के लिए भी लाते हैं कुछ लोग सेल करने के लिए भी जाते हैं यहाँ पर देखते हैं और ये देखिए जी बेहतरीन आइटम है तो मैं यहाँ आपको बता रही थी कि मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ कोर्सेज मैं करती रहूँगी और पहला एक्सपीरियंस है मेरा बेकिंग का जब मैंने बेकिंग मुझे पहले बेकिंग लेना था फिर बेकिंग एक्सपर्ट लेना था लेकिन मैंने बेकिंग का सिलेबस पढ़ा तो ऑलमोस्ट बेकिंग एक्सपर्ट जैसा ही उसका जो है ना वो सिलेबस था तो मैंने सोचा कि बेकिंग एक्सपर्ट लेती हूँ क्योंकि जो नॉर्मल वाली बेकिंग है ना जो नॉर्मल केक्स वगैरह ब्राउनी वगैरह मार्बल केक ये सब मुझे आते हैं तो मैंने बेकिंग एक्सपर्ट ली लेकिन अगर मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पहले बेकिंग भी लेनी चाहिए थी तो फिर मैं बाद में बेकिंग ले, ले लूँगी तो अभी तो फ़िलहाल मैंने बेकिंग एक्सपर्ट लिया है सात सौ पचास रुपये का ये कोर्स था और मंगल और जमेरात मेरी क्लास है ग्यारह से साढ़े बारह वाली ना तो मैंने वहाँ वो तो वाला कोर्स लिया था तो मैं यहाँ पर ख़ास इसके लिए भी आई थी जो ये डिस्प्ले आइटम हो रहा है ये देखिए जो मैं पहले कुरेशा के कोर्सेज़ में अपनी बहन की बेटी के लिए जो मैंने ड्रेस बनाया था ना वो देखिए इसी पैटर्न से बनाया था और सामने वो वाला कलर भी पड़ा हुआ था तो मैं जो है ना लिट्रली अगर आपको जाना है ना तो आप जो है ना अगर आप शौकीन हैं बनाने के और आपको हैंडी क्राफ्ट का या क्रैशा का शौक है या पेंटिंग का शौक़ है या ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो आप एक दफ़ा ना डिस्प्ले पे ज़रूर चक्कर लगाएं आपका दिल खुश हो जाएगा कसम से मुझे ऐसा लगा कि यार वाकई मैं पहले भी डिस्प्ले लगा था लेकिन वो मुझसे मिस हो गया मैंने जो है ना वो हमारे बोर्ड के उसके मेमन के पेपर्स हो रहे थे जब हमने देखा था कि डिस्प्ले लगा हुआ है तो वो जो है ना पेपर की वजह से हम लोग ने अटेंड नहीं किया लेकिन ये वाला जो डिस्प्ले था ना फिर मैंने सोचा कि इसको वेस्ट नहीं करना इसका जो है ना ये ज़रूर देखना है मैंने डिस्प्ले तो फिर मैं आई थी और अपना कोर्स भी लेना था मुझे और कुछ स्पार्किंग डस्ट वगैरह मुझे खरीदनी थी बाय करनी थी मेरे मेकअप आने वाले हैं अभी बुकिंग है तो उसके लिए मुझे सर थोड़ा बहुत सामान लेना था मैंने सोचा वो भी ले लूँगी और साथ साथ अपनी जो है ना वो कोर्स के एडमिशन भी ले लूँगी और साथ साथ ये दिखा भी दूंगी ये देखिए जी रेजिन आर्ट का काम ये ना मोतियों से ना वो बने हुए टी कोस्टर और ये रेजिन आर्ट की ट्रे रेजिन आर्ट के कीचें रेज इन आर्ट के बुक मार्क्स ये आजकल जो है वो रेजिन आर्ट बहुत इन बहुत ज़्यादा हर कोई रेजिन आर्ट का काम जो है ना वो सीखना चाहता है और करना चाहता है ये देखिए जी ट्रे है रेजन आर्ट की ये फ्रेम्स भी हैं रेजन आर्ट की और ये ट्रे भी हैं और ये जी कीचेंस भी लगे हुए हैं यहाँ पे आगे भी बहुत सारा वर्क आने वाला है आप इस वीडियो को फुल देखेंगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है तो ये है होम डेकोरेशन हर चीज़ पहले जो क्या होता था काफ़ी सारे सालों पहले ना ये लोग नीचे डिस्प्ले पे ही हर चीज़ लगा देते थे हर चीज़ ना हर आइटम ये लोग डिस्प्ले पे लगा देते थे लेकिन अब सामान बहुत ज़्यादा हो गया है और जो वो डिस्प्ले का जो वो बॉक्स है वो छोटा हो गया तो इसी वजह से ये हर कुछ दिन में ये वाला आइटम रखते हैं डिस्प्ले आइटम रखते हैं जहाँ पर मेमन का सारा काम दिखाया जाता है तो है ना बेहतरीन बात तो मुझे यही बात बहुत अच्छी लगी कि हर चीज़ ना हमें यहाँ देखने को मिल जाएगी आपको कोई कोर्स करना है तो आप यहाँ आकर देखें कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी ये छोटे छोटे मिरर्स थे ये था फॉइल वर्क इससे टिश्यू बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स ये मिरर ये की चेन होल्डर मतलब की होल्डर और ये काफ़ी सारे फ्रेम्स वगैरह ये देखिए मिरर वाली फ्रेम्स थी जो आगे थी तो काफ़ी सारी चीज़ें ना आप इससे सीख सकते हैं और ये फॉइल वर्क है इसका जो पैटर्न है ना बना हुआ ये देखें कितना बेहतरीन है ये टेक्निक होती है कोई बनाने की उसी से बनती हैं चीज़ें सारी ना फॉइल वर्क में और आप अपनी ऐड करके ये सारा जो काम है ना ये उन स्टूडेंट्स का है कुछ टीचर्स ने उनको सिखाया कुछ इन्होंने अपना माइंड लगा के जो है ना वो बनाया है तो एक नई क्रिएशन हर इंसान का दिमाग ना एक अलग तरीके से काम करता है तो एक अलग तरीके से चीज़ बनकर सामने आती है तो यही चीज़ें सारी आपको यहाँ पर डिस्प्ले में देखने को मिल जाएंगी और मेरे हिसाब से ना फालतू बैठना या टाइम पास करना या टाइम को ज़ाया करना ना उससे कदरे बेहतर है कि आप कोई ना कोई चीज़ में अपने दिमाग को अपने आप को लगा कर रखें एक हाउस वाइफ हैं तो भी आप जो है वो थोड़ा बहुत दिमाग जो है वो दूसरी चीज़ों में लगाएं आप सुबह उठना बर्तन धोना कपड़े धोना बच्चों को देखना झाड़ू बच्चे लगे ये हर हाउस वाइफ़ करती है आप कुछ ना कुछ अपने लिए भी करें एक या डेढ़ घंटा आप अपने लिए भी निकालें कि हाँ मुझे भी ये करना है मेरा ये एक्सपीरियंस है या मेरा ये मानना है कि आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में न्यू करना चाहिए तो यहाँ पर ये देखिए जी ये है जी ज्वेलरी मेकिंग यहाँ पर भी जो पल्स से जो मोतियों से ज्वेलरी बनती है जो देखिए आप बेंगल्स हेयर्स जो ईयर और माथा पट्टी और जो है बिंदिया और नेकलिस और छोटे छोटे से इयर रिंग्स हर चीज़ यहाँ पर यहाँ पर जो है वो हैंडमेड मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वेलरी मेकिंग के कोर्स में तो ये आइटम देखिए ये ज्वेलरी मेकिंग में सिखाया जाता है सारी चीज़ें ये ज्वेलरी मेकिंग की चीज़ें आप एक जो है ना वो माइंड बना लें कि आपको एक कोर्स इसका करना है या एक कोर्स उसका करना है तो आप वो लग कर करेंगी ना तो आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा ये लड़कियों की कितनी मेहनत है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आ, मैं पूछती जा रही थी बात करती जा रही थी जो स्टूडेंट है वो कह रही हैं कि हमें छः महीने से हमने जो है ना वो छः महीने से हम ये सीख रहे हैं ज्वेलरी मेकिंग कोई कह रही है हमने आठ महीने से ये दिखा है सीखा है कोई कह रही है कि हमें एक महीना एक मंथ में ही हमने ये काम किया आगे चल के मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जो डिजाइ ड्रेस डिजाइनिंग था तो वो टीचर हमें बता रही थी कि कुछ कुछ लड़कियों ने ये काम एक महीने में भी किया और कुछ कुछ लड़कियों ने ये काम ज़्यादा वक्त में भी किया है तो जैसे आपका माइंड कैच करेगा जैसा आप सीखना जितनी जल्दी आप सीखेंगे उतनी जल्दी जो है वो आपको ये चीज़ें आ जाएंगी और मुश्किल नहीं होता कोई भी काम मुश्किल नहीं होता अगर आप करने की ठान लें तो कोई काम मुश्किल नहीं होता तो यहाँ ना मैं मतलब मैं मुझे आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ऐसा लगा कि ये एक वाहिद ऐसा वो है कि हम अपनी तरीके से अपना वो देख सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं हमारा आर्ट हमारा दिमाग हमारा दिल किस चीज़ के लिए करता है हम वो यहाँ पर देख सकते हैं मैं वैसे भी जो क्राफ्टिंग के और जो इन चीज़ों की ना बड़ी शौकीन हूँ तो मुझे तो यहाँ आकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और रिकॉर्डिंग करने के लिए भी मैंने पूछा टीचर से तो उन्होंने कहा हाँ आप कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं क्योंकि ये सेल करने वाला आइटम है यहाँ पर लड़कियाँ आकर स्टूडेंट्स आकर अपना काम सेल कर रही हैं तो इसलिए यहाँ पर वीडियो बनाने की इजाज़त है अदरवाइज़ मेमन में क्लासेज में वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती इसमें से एक ईयर थे बालिया थी बालियाँ थी जो भी मैं पहले उठा रही थी मुझे वो पसंद आई थी तो वो सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज़ की थी कितना ज़बरदस्त काम हैंडमेड वर्क और रिज़िबल प्राइस में आपको यहीं मिल सकता है और ये देखिए जी ये ड्रेस डिजाइनिंग है ड्रेस डिज़ाइनिंग में मैंने मतलब टीचर से पूछा तो टीचर ने कहा सिलाई नहीं होती इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग में हर चीज़ यहाँ पर पल से काम होगा लेसिस से काम होता है यहाँ पर दबके का काम जो कहते हैं वो होता है हर चीज़ अच्छा पीछे जो है ना वो टीचर सिखा भी रही थी तो मैंने सिखाने का तरीका देखा टीचर्स टीचर का और मुझे बहुत ज़्यादा ना अच्छा लगा सारी लड़कियाँ मिलकर बैठी हुई थी और बीच में टीचर बैठ के जो है वो सिखा रही थी ये देखिए एक लड़की का एक स्टूडेंट का वर्क चल रहा है इसमें थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी इंक्लूड होती है थोड़ी थोड़ी मोतियों का काम भी होता है अगर कोई कोई टांका इसमें टांके होते हैं अगर कोई टांका से आप कोई एक टांके से आप पैटर्न बना रहे हो तो ये सारा एक ही टांके से पैटर्न बनता है ये कुछ कॉन्सेप्ट है मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता लेकिन जो पता है वो मैं बता दूँ पल्स वगैरह मोती वगैरह आपको सीखने के लिए चाहिए तो वो लूज में बाहर भी मिल जाती है काफ़ी सारी चीज़ें जब मुझे फ़्लावर अपना फ़्लावर वाज बनाना था तो मैंने मोतियाँ ली थी थोड़ी थोड़ी सी तो वो मैंने सारी बाहर से ली थी ट्वेंटी ट्वेंटी रुपीज़ के ईच पैक थे अगर मुझे कमेंट आया तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी वहाँ पे भी शॉप पे जाकर आपको दिखा दूंगी कि ये ये चीज़ें आप इतनी इतनी में ले सकते हो और ये वाला जो है वो बुटीक डिज़ाइन है बुटीक डिज़ाइन में अबायास भी डाल देते हैं ये लोग और अनरखा स्टाइल फ़्रॉक स्टाइल जो बुटीक के डिजाइनिंग होती है ना वो चीज़ें भी ये लोग डाल देते हैं और कितना अच्छी तरीके से हर चीज़ को बनाया गया है आप ये देखें छोटी छोटी बारीकी कोई छोटी छोटी डिज़ाइनिंग की हुई थी दिल खुश हो गया मर्दाना सूट भी यहाँ थे और अबाए भी थे यहाँ पर और फैंसी ड्रेसेस भी थे हर तरह का काम आपको हर तरह का वर्क आपको मिल जाएगा जो नया लेटेस्ट चल रहा है वो भी और अगर आप पुराना कोई डिज़ाइन देखकर कहेंगे तो वो भी टीचर बनाना सिखाती हैं और ये देखिए जी अबाया और यहाँ पर ना अबाया वग़ैरह कितने दो हज़ार या ढाई हज़ार रुपये में मैंने एक अबाया देखा था जो सामने लगा हुआ है बिल्कुल तो वो वाला अबाया छब्बीस सौ रुपये या ढाई हज़ार रुपये का था वो भी बहुत अच्छा और रिजनेबल प्राइस में दिखा मुझे तो मैंने मैंने सोचा कि यार वाकई में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है यहाँ पर ये देखिए ये वाला अब आया मैंने देखा था, तो छब्बीस सौ रुपये का था ये उसका प्रिंट थोड़ा आ, मुझे अच्छा नहीं लगा बाकी ये बहुत अच्छा सिला हुआ सि, सिलावा और बनावा बड़ा अच्छा था और फिर आ जाते हैं जी आर्ट गैलरी में आर्ट गैलरी में एक प्रॉपर बिजनेस की तरह ये देखें आप इनकी शॉपर्स इनका रखने का तरीका एक पैकेजिंग वो एक बिज़नेस की तरह ये लोगों ने जो है ना वो यहाँ पर कितनी लड़कियाँ है ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम वगैरह पर पूरा पूरा बिजनेस कर रही होती हैं इन चीज़ों का यहाँ से सीखती हैं यहाँ से बनाती हैं अच्छा क्रैशर्ट में भी ये था कि औरतें सीखती थी फिर इंस्टा पर डालती थी फिर इंस्टा पर उनको ऑर्डर आते थे फिर वो यहीं आकर ये चीज़ बनाती थी तो ये चीज़ आप बिज़नेस भी कोई शुरू कर सकते हो रेजिन आर्ट तो आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा आए न तो आप इसका कोई बिज़नेस भी कर सकते हो या इसके अलावा भी आप कोई बिजनेस कर सकते हो तो ये देखिए जी हर चीज़ ये जो अल्फाबेट वगैरह आ रहे हैं इसके अलावा हार्ट शेप हो गया और टी कोस्टर्स हो गए और ट्रे हो गई ये सब चीज़ें आपको रेजिन आर्ट की यहाँ मिल जाएंगी इसके अलावा यहाँ पर पेंटिंग ये सामने जो है वो कैंडल के, वर्क का काम हुआ हुआ है कैंडल वर्क का काम पहले भी मैंने दिखाया आपको कैंडल वर्क भी यहाँ किया जाता है क्राफ्टिंग में ही आता है कैंडल वर्क भी और ये देखिए जी ये सब जो आ, आ, क्या बोलते हैं छोटे छोटे पॉट्स थे ना ये खुद हाथ के बने हुए थे सारे और ये है रेजिन आर्ट के आई थिंक ट्रे है हाँ छोटी छोटी ट्रे हैं ये भी रेजिन आर्ट की बनी हुई है और ये सारे शेप्स वगैरह ये खुद इन्होंने बनाए ये सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाई हैं और बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुझे तुम तो मतलब अच्छा लगा यहाँ पर आकर और ये देखिए जी नेकलिसज हैं और कैसे ना एक पैकेजिंग में एक अपना लोगो लगा कर और अपना स्टीकर लगाकर उसको बाकायदा रेट के साथ इसको रखा गया है ताकि ये सेल हो और आगे भी ये लोग सेल करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे ऑर्डर्स वगैरह लेती हैं और सेल करती हैं मुझे भी कह रही थी कि अगर आपको मोबाइल कवर वगैरह बनवाना है तो आप बता दें तो हम उस हिसाब से बना देंगे आपको तो यहाँ पर यानी ये छोटे छोटे बिजनेस भी करती हैं और इसके अलावा ये पेंटिंग कलर्स मैं कलर्स की जो है ना हद से ज़्यादा शौकीन हूँ हर चीज़ में मुझे मल्टी कलर्स कलर्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं ना ब्ल ब्लिंग, ब्लिंग करती चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं तो ये देखिए यहाँ पर इतना ख़ूबसूरत वर्क हुआ हुआ था अगर आप शौकीन हैं और अपने घर के लिए ही घर को सजाने के लिए ही अगर आपको पेंटिंग वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप यहाँ आके अपनी पेंटिंग्स वगैरह ये बना सकते हैं घर को सजा सकते हैं दो मंथ का मैंने सोचा था जब मैं पेंटिंग का मैंने सोचा था तो मैंने सोचा था दो मंथ का कोर्स लूँगी दो चार पेंटिंग बनाऊँगी घर के लिए और बस तो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपको दिल चाह रहा है आपको शौक़ है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई बिजनेस करें अपने घर के लिए भी सीख सकते हैं और ये देखिए जी आगे मैं आपको दिखाती हूँ अल्लाह नाम वगैरह का जो चीज़ें होती हैं कलमा वगैरह होता है ये खाने काबा बना हुआ था मक्का मदीना बना हुआ था ये सब आर्ट है ये सब पेंटिंग से बनाया हुआ है सब लड़कियों ने और आगे एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद आई थी अल्लाह पाक के जो निन्यानवे नाम होते हैं ना वो वो इन्होंने बनाए हुए थे और वो बड़ी बेहतरीन तरीके से बनाए थे आगे आएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए जी कितना बेहतरीन काम हुआ हुआ है कलमा वगैरह भी लिख सकते हैं आप कोई दुरू शरीफ लिख सकते हैं हर चीज़ आपको आ, मतलब आपको कोई ऐसा दुरू शरीफ लिखना है कलमा लिखना है या मतलब और कोई कोई आयत वगैरह लिखनी है घर के लिए तो वो आप लिख कर जो है वो अपने घर के लिए बना सकते हैं और ये था जी इसमें अल्लाह पाक के निन्यानवे नाम लिखे हुए हैं और कितना खूबसूरती से बना हुआ है और हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ जो है वो एक एफर्ट नज़र आती है स्टूडेंट्स की टीचर्स की ये देखिए आप स्केचिंग देख लें स्केचिंग का मुझे भी बहुत शौक़ रहा है जब मैं मेहंदी करती थी जब मैंने दो चार स्केचिंग बनाई भी थी और शेयर भी की थी चैनल पर लेकिन एक प्रॉपर तरीके से इसको करने का मेरे पास टाइम नहीं है लेकिन शौक मुझे बहुत है आ, कभी आगे वक्त मिला तो टाइम ज़ाया नहीं करूँगी स्केचिंग ही करूँगी कुछ ना कुछ तो करूँगी और अभी तो मैंने फ़िलहाल बेकिंग का कोर्स लिया हुआ है अब आगे जो है वो मेरा इरादा पाकिस्तानी कुकिंग का है इसके बाद जो है वो टी स्नैक्स वगैरह जो कुकिंग पे मैं जाना है क्योंकि मैंने ना आज तक मेमन में कभी कोई कुकिंग की क्लासेस नहीं ली एक पास्ता वाली ली थी इसके पहले मैंने कभी भी कोई कुकिंग की क्लास नहीं ली तो मुझे एक शौक कह लें कि मुझे एक शौक है कि मैं मेमन में, में जो है वो टू टू मंथ के कोर्सेज़ करूँ बेकिंग के और कुकिंग के कुकिंग के ऊपर से मैं पहली दफ़ा मतलब कोर्स करूँगी मेमन में, में तो उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ जरूर से शेयर करूँगी और अगर मौका मिला तो बनी हुई चीज़ें भी शेयर करूँगी कि क्या इन्होंने सिखाया और किस तरह सिखाया तो बस यहाँ पर जी अब आपको देखना है और डिसाइड करना है इसके अलावा ना बाहर स्टॉल्स लगे हुए थे आ, क्या बोलते हैं कुकिंग के ना आ, वहाँ पे पकोड़े चना चाट और पानी पूरी और इन छोटी छोटी चीज़ों के भी स्टॉल लगे हुए थे लेकिन कोई आ, मतलब वहाँ पे वो सेल कर रही थी लेकिन ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी ऐसा कोई कुकिंग नहीं थी जो मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए तो इसीलिए मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया और ये देखिए जी रोज़ पैटर्न वाली पेंटिंग कमाल कमाल की की भी है कितना सफाई से बनी हुई है तो ये देखिए जी छोटे छोटे से पॉट्स बने हुए हैं बर्तन बने हुए हैं और यहाँ मैं मेमन के बाहर हूँ मुझे ना स्पार्किंग डस्ट लेनी थी कुछ कलर्स की तो वही लूँगी और घर जाऊँगी और यहीं करूँगी जी अपनी वीडियो को एंड अगर आपको वीडियो किसी भी रीजन पे अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माए चैनल ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में जब तक रखिएगा और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर धेग सारा ख्याल और अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें अल्लाह हाफ़